मोती वाली परी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। रात के समय यह देखने के लिए कि उसकी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, राजा अपना भेष बदलकर पूरे राज्य का भ्रमण करता था। जहाँ कहीं भी उसको कोई दुखी इंसान दिखता था, दूसरे दिन वह अपने राज्य में आकर उसको बुलवा भेजता, उसके सारे दुख दूर कर देता था, चाहे पैसे से हो, चाहे शक्ति से हो, या चाहे रिश्तों से हो। सब उसको बहुत मानते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि शादी के 10 साल बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। मैं जरा बगीचे में जा रही हूँ। तुम्हें इन परियों को फूल माला से सजाकर क्या खुशी मिलता है? वही जो आपको अपनी दुखी प्रजा को सुखी करके मिलता है। राजा मुस्कुराकर उठ गए और दरबार में चले गए। रानी ने अपने महल के चारों तरफ बने बगीचे में बहुत सारी संगमरमर की मूर्तियां लगवा रखी थी। उसको परियों से बहुत प्रेम था, इसीलिए उसने 7 मूर्तियां परियों की बनवा रखी थी। रोज रात को जाती और परियों को ताजे फूल की माला और एक मुकुट अवश्य पहनाती। अपने हाथों से संगमरमर की मूर्तियों की साफ सफाई भी करती। एक दिन रानी बहुत उदास थी। वह बगीचे में बने तालाब के किनारे किसी सोच में लीन बैठी थी। तभी एक परी उसके सामने आई और कहा, आप इतनी उदास क्यों हैं? वह चौंक गई, क्योंकि अभी अभी उसने जो फूलों की माला और मुकुट एक परी को पहनाया था, ऐसा लगा यह वही माला और मुकुट है जिसको पहना कर वह आई है। आपने मुझे पहचाना नहीं। आप ही तो हम लोगों के फूलों की माला और मुकुट बदलती हैं। आपको परियों से बहुत प्यार है ना, इसीलिए हम भी हर पूर्णिमा की रात को आपके इसी बगीचे में आते हैं। आपके प्यार की वजह से ही हमने इसे अपने मनोरंजन का स्थान चुना है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप हमेशा उदास रहती हैं। मैं समझ नहीं पाती कि आपकी उदासी का कारण क्या है। जरा सी सहानुभूति मिलते ही रानी फफक फफक कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। परी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। आप कृपया निसंकोच होकर अपने दुख का कारण बताएं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चों की किलकारी नहीं है। पूरी हवेली सूनी पड़ी रहती है। घर में नौकर चाकर धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक संतान के बिना मुझे लगता है कि मेरा सारा जीवन अधूरा है। परी ने उसके दुख को समझा। आप चिंता मत करिए, मेरे साथ आइए। वो उसको बगीचे की एक कोने में ले गई और वहाँ एक सेब के पेड़ के पास जाकर, यहाँ जो सेब जोड़े से लगा हुआ है उसको तोड़ लीजिए और उसको छीलकर ही खाइएगा। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। ये कहकर परी गायब हो गई। रानी थोड़ी देर सोचती रही, यह कोई सपना तो नहीं था। लेकिन फिर उसने देखा कि वह तालाब के किनारे से सेब के नीचे आ गई थी और उसे जोड़े में लगा हुआ सेब भी दिखाई पड़ा। रानी इतनी उतावली हो गई कि उसने दोनों सेब तोड़ लिए और एक सेब को अपने आंचल से पोंछकर वैसे ही काटकर खाने लगी। तब तक उसे ध्यान आया कि परी ने कहा था सेब को छील कर खाना। उसने अगल बगल देखा, परी तो निदारत थी। फिर उसने दूसरे सेब को छील कर खाया। रानी रोज बगीचे में जाकर परियों के सामने रोती, काश आपका किया हुआ वादा सच हो जाता। कुछ ही दिनों के बाद जब उसको मालूम हुआ कि वह माँ बनने वाली है, हमारे सपनों के पूरे होने का समय आ गया है, हमें संतान सुख मिलने वाला है, राजा बहुत खुश हुआ। समय आने पर रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लेकिन बच्चों को देखकर, मैं इस बात से हैरान हूँ कि बड़ा बेटा तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद और मक्खन की तरह कोमल है, लेकिन दूसरा बेटा उतना ही दुबला पतला और कमजोर है। मैं संतान सुख पाने के लिए इतनी अधिक लालायित थी कि मैंने परी की बात ध्यान ही नहीं दिया। उसने साफ साफ कहा था कि सेब के फल को बिना छीले नहीं खाना है, और मैंने गलती से एक सेब बिना छीले ही खा लिया था। फिलहाल हमें तो इसी में खुश होना चाहिए कि हमारे घर में इतने वर्षों के बाद संतान पैदा हुए हैं। राजा रानी अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल कर रहे थे। धीरे धीरे बहुत साल बीत गए। उनमें से एक बड़ा राजकुमार अरुण बहुत ही बुद्धिमान, होशियार और सजीला नवयुवक था।
परंतु दूसरा राजकुमार आदित्य कमजोर और बुद्धि से भी कमजोर था। लेकिन उनके पास इतनी बुद्धि जरूर थी कि वह अपने आप को बड़े भाई से कम समझता था। एक दिन दोनों राजकुमार रानी के बगल में सोए हुए थे, तभी रानी ने उन दोनों को परियों वाली बात बताई। मेरी एक छोटी सी भूल की वजह से मेरे दोनों बच्चों में इतना फर्क हो गया, वरना दोनों बेटे एक जैसे होते, स्वस्थ बुद्धिमान और समझदार। दूसरे दिन ही आदित्य राजकुमार बगीचे में बने परियों के मूर्ति के पास गया। मुझे भी अपने भाई जैसा बना दो। परियों को उस पर बहुत दया आई। फिर एक दिन जब वह सो रहा था, तब उसने देखा कि उसकी खिड़की पर एक परी आई और उसने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को मना किया था कि सेब को छीलकर खाए, लेकिन वह संतान पाने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने सेब को बिना छीले ही खा लिया, जिस वजह से तुम ऐसे हो गए। अगर आप सब कुछ जानती हैं तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मुझे भी मेरे भाई जैसे ही बना दो। मैं बना तो सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ कहिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे परीलोक की एक छोटी सी परी को जादूगर ने कैद कर रखा है, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो शायद वो मुझे वापस मिल जाए। कहाँ रहता है वो जादूगर? वो जादूगर यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर पहाड़ियों के पीछे एक गुफा में रहता है। मैं तुम्हें गुफा तक ले जा सकती हूँ। चलिए अभी चलते हैं। परी ने 3 बार ताली बजाई और तुरंत एक उड़न खटोला आ गया। दोनों उस पर बैठकर पलक झपकते ही गुफा के सामने खड़े हो गए। मैं तुम्हें एक तोता बना देती हूँ, ये जादुई अनार के दाने अपने मुंह में रख लो, जैसे ही वो जादूगर दिखे उसके बालों में डाल देना, वो तुरंत सो जाएगा और कम से कम कुछ महीनों तक सोता रहेगा। तुम छोटी परी को गुफा के बाहर ले आना, मैं बाहर ही तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूंगी। लेकिन छोटी परी को कैसे पता चलेगा कि मैं उसको बाहर जाने को कह रहा हूँ? तुम तोता रहोगे पर बोल सकते हो। ठीक है। परी ने तुरंत उसे तोता बना दिया। तोता गुफा के भीतर गया तो छोटी परी एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी, और जादूगर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके किसी बिल्ली को बकरा बना रहा था, किसी बुलबुल को कुत्ता। तोता जाकर जादूगर के ऊपर मंडराया और अपनी चोंच से अनार का दाना निकालकर उसके सिर पर गिरा दिया। जादूगर सचमुच सो गया। परी रानी, झट से गुफा के बाहर निकल जाओ, अभी ये जादूगर कुछ महीने सोता रहेगा। ओह, लेकिन ये सारे पंछी? पहले तुम बाहर निकल जाओ, फिर इनका भी कुछ उपाय हो जाएगा। छोटी परी बाहर आई तो परी ने उसे गोद में उठाकर उसका माथा चूम लिया। मेरे सभी दोस्तों को उस दुष्ट जादूगर ने जानवर और पंछी बना दिया है। तुम तुरंत उड़न खटोले में बैठ जाओ, और छोटे राजकुमार आदित्य, तुम ये दाने लेकर गुफा के भीतर जाकर उस जानवर के ऊपर डाल देना, सब अपने असली रूप में आ जाएंगे। तोते ने वैसा ही किया, सब जानवर बच्चों में बदल गए और गुफा के बाहर आ गए। परी ने सबको उड़न खटोले पर बैठा दिया और तोते को राजकुमार आदित्य में बदल दिया। राजकुमार आदित्य, अब तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। कल रात को तुम अपनी खिड़की खोलकर सोना, तुम अपने आप को अपने भाई से ज्यादा खूबसूरत और होशियार नौजवान पाओगे। दूसरे दिन राजकुमार आदित्य परी के आदेश के अनुसार अपने कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां खोलकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही हल्की सी झपकी आई, उसे लगा जैसे कोई बहुत ही ठंडी सी लहर, जैसी कोई चीज उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो, और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। जब सुबह उसकी माँ उसको जगाने आई तो यह देखकर वह हैरान हो गई। अरे, ये तो मेरा छोटा राजकुमार आदित्य है, ये इतना कैसे बदल गया? माँ के जगाने पर वह उठ गया। जाकर आईने में अपने आप को देखो। वह आईने के सामने गया, तब वह खुशी के मारे आकर अपनी माँ से लिपट गया। तब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ समझ गई कि यह सब उस दयालु परी की ही देन है, क्योंकि उसी के आशीर्वाद से इन बच्चों का जन्म हुआ। वो मेरे और मेरे इस राजकुमार आदित्य के दुख को खत्म कर देना चाहती थी। वो बहुत खुश हुई। उसने अपने राजकुमार आदित्य को गले से लगा लिया। दोनों तुरंत बगीचे में गए और वहाँ जाकर उन्होंने परियों की मूर्ति के सामने बहुत बहुत धन्यवाद किया। परी माँ,
आज के बाद मैं ही इन सारी मूर्तियों की देखभाल भी करूंगा और सारी सफाई भी करूंगा। रोज गुलाब के फूल की माला तथा एक नया मुकुट आपके माथे पर सजाऊंगा। परंतु आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप हमारे इस महल को छोड़कर कभी मत जाइएगा, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारे महल में खुशियां आई है। अब मैं चाहता हूं कि आप हमारी हर खुशी में शामिल हों। ये कहकर ये दोनों अपने महल चले गए। सभी लोग छोटे राजकुमार आदित्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजा तो खुशी से फूले नहीं समाए, क्योंकि उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि छोटे राजकुमार आदित्य का जीवन कैसे कटेगा। परी की मेहरबानियों ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। परियों का आशीर्वाद। एक समय की बात है, रेशमपुर राज्य में राजनाथ नाम के राजा राज्य करते थे। राजा अपनी पत्नी लक्षिता से बहुत प्यार करते थे। वे बहुत ही दयालु और दानी प्रकृति के व्यक्ति थे। पूरी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद उनके महल में रानी ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। राजकुमारी के जन्मोत्सव में सारी प्रजा को बुलाया गया और बहुत सारी परियों को भी निमंत्रण दिया गया। सभी परियां राजकुमारी की सुंदरता देखकर मुग्ध हो गईं। उन्होंने राजकुमारी का नाम श्वेता रखा और उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जैसे ही आखिरी परी की आशीर्वाद देने की बारी आई, आकाश में काले काले बादल घुमड़ने लगे। हवा ने आंधी का रूप ले लिया। तभी एक दुष्ट चुड़ैल महल में आई। वह बहुत क्रोधित थी, क्योंकि राजकुमारी श्वेता के जन्मोत्सव पर उसको निमंत्रण नहीं दिया गया था। उसने राजा और पूरे राज्य को श्राप दे दिया। तुम लोग हमेशा दुखी रहोगे। अपनी चुड़ैल वाली हंसी हंसती हुई वह चली गई। राजा बहुत दुखी हुआ। आखिरी परी जिसने अभी तक राजकुमारी श्वेता को आशीर्वाद नहीं दिया था, वो बोली, जब राजकुमारी सहस्त्र बरस की हो जाएंगी, तब वह उस चुड़ैल को मारकर आपको और आपके राज्य को श्राप मुक्त कर देंगी। उस दुष्ट चुड़ैल के श्राप से पूरा राज्य बहुत दुखी था। राजकुमारी की सुंदरता दिन पर दिन निखरती जा रही थी। अपने पिता की तरह ही वह सर्वगुण संपन्न थी और पिता की तरह बुद्धिमान भी थी। परियों के आशीर्वाद से वह बहुत खुश थी। वह स्वयं ही अपना सारा काम करती, पर राज्य के लोगों के दुख उसे विचलित कर देते। एक दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह राज्यवासियों को चुड़ैल के श्राप से मुक्ति दिलवा कर ही रहेगी। यही सोचकर अपने घोड़े पर सवार हुई और राज्य छोड़कर निकल गई। वह चुड़ैल को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर तक चली गई, पर उसका कोई पता नहीं चला। बहुत दूर तक चलते चलते जब वह थक कर एक तालाब के पास बैठकर विश्राम कर रही थी, तभी उसी तालाब से एक आवाज सुनाई दी। राजकुमारी श्वेता, मुझे तुम्हारे जीवन के बारे में सब कुछ पता है कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। राजकुमारी ने बड़ी निडरता से पूछा, कौन है आप और आप किस तरह मेरी सहायता कर सकती हैं? तभी अचानक उस तालाब से एक परी निकलकर उसके सामने आई। उसने उसको बताया कि तुम्हारे जन्मोत्सव के अवसर पर जब मैं तुम्हें आशीर्वाद देने जा रही थी, तब वह दुष्ट चुड़ैल आई और उसने तुम्हारे पिता और पूरे राज्य को श्राप दे दिया। मैं ही वह आखिरी परी हूँ। तुम अगर अपने राज्य को श्राप मुक्त करना चाहती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी श्वेता चकित रह गई। राजकुमारी ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्या चुड़ैल से बचने का कोई उपाय है? परी ने कहा, एक रास्ता है, पर वह बहुत कठिन है। राजकुमारी ने कहा, मैं अपने राज्य को कष्ट से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। परी खुश हो गई और बोली, सुनो, उत्तर दिशा की ओर वायल नदी से लगे हुए रास्ते से होकर अंत तक जाना। तीन बड़े पत्थरों के मिलने से ए आकार बनेगा। उसके ऊपर एक बटन होगा जिसको दबा देना। उस बटन को घुमाते ही तुम्हें एक तलवार मिलेगी जो आधी पत्थर के अंदर होगी और आधी बाहर। जैसे ही तलवार बाहर आएगी, वह मौजू नाम की तलवार तुमसे बात करने लगेगी।
और वही तुम्हारे चुड़ैल के घर का रास्ता दिखाएगी। राजकुमारी ने परी का आशीर्वाद लिया और आगे चल दी। वह जाते जाते नदी के अंत तक पहुंच गई। वहां तीन पत्थरों से बना एक का आकार दिखाई पड़ा। उसने देखा उस पत्थर के ऊपरी भाग में एक बटन थी। तीन बार घुमाने के बाद ही वह खुल गई। उसको वह तलवार दिखाई पड़ी जो आधी पत्थर के भीतर और आधी बाहर थी। उसने तलवार निकालने की बहुत कोशिश की। जैसे ही तलवार निकली वह बोलने लगी। उसने कहा, राजकुमारी श्वेता, मैं आपकी सहायक हूँ। मेरा नाम मौजू है। मैं ही आपको चुड़ैल के घर का रास्ता दिखाऊंगी। चुड़ैल पर विजय प्राप्त करने की यात्रा शुरू हो गई थी। जब वे जंगल से जा रहे थे तो एक बड़ा सा राक्षस उनके सामने आ गया और बोला, ए मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? उनको राक्षस बहुत अपना सा लगा। उन्होंने उसे सारी बातें बताई। राक्षस बोला, आपके राज्य के साथ उस चुड़ैल ने बहुत गलत किया है। आपको चुड़ैल के घर तक जाना है तो आप बिल्कुल सही आदमी के पास आए हो। तलवार को राक्षस की बात खटकी। उसको लगा कुछ गड़बड़ है। फिर वे राक्षस के साथ बहुत दूर तक चले। उन्होंने रात में एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। शाम को ही उन्होंने कुछ फल इकट्ठा किया, वही खाकर रात बिताने लगे, क्योंकि अगले दिन उन्हें बहुत दूर जाना था। रात को तलवार को कोई आवाज सुनाई पड़ी, जिसको सुनकर वह उठ गई। टेंट के बाहर कोई बात कर रहा था। तलवार ने जाकर राजकुमारी को उठाया। राजकुमारी ने टेंट में बने एक छेद से झांका तो एक दूसरा राक्षस पहले राक्षस से बात कर रहा था। वह कह रहा था, चुड़ैल हमारे ऊपर खुश हो जाएगी तो हमें अच्छी अच्छी चीजें खाने को देगी। दूसरा राक्षस बोला, हाँ, जब उसको पता चलेगा कि उसकी दुश्मन की बेटी हमारे हाथ में है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। पहला राक्षस बोला, चलो अभी सो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सोए, राजकुमारी ने उन दोनों को उस तलवार से मार दिया और चुड़ैल के घर पहुंच गए। वह उसके घर घुसी रही थी कि तभी एक बड़ा सा गड्ढा आया, जिसमें गिरकर वह एक नाले में पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाया। अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुम वही बहादुर राजकुमारी हो ना जो मुझे मारना चाहती है? राजकुमारी बोली, तुम चूहे की तरह मत छुपो, सामने आओ। वह चुड़ैल बड़ी फुर्ती से उनके सामने आई। वह बहुत ही कुरूप और भयानक थी। तलवार ने कहा, इसी समय इस चुड़ैल को मार सकते हैं। राजकुमारी मुझे उठाओ और पिंजरे को काट कर चुड़ैल को खत्म कर दो। राजकुमारी ने पिंजरे को काट दिया। उसके मरते ही उसका राज्य उसके श्राप से मुक्त हो गया। राज्य के श्राप मुक्त हो जाने के बाद राज्य में फिर से खुशियां छा गई और राज्य के सभी लोग प्रसन्न हो गए। उनका पूरा राज्य चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो गया। राजा और रानी ने अपनी बहादुर राजकुमारी को गले से लगाकर उसको आशीर्वाद दिया।